बद्री विशाल भगवान की जय। डॉक्टर निशंक जी, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। हिमालय पुत्र कभी बीमार नहीं पड़ता है। हिमालय पुत्र के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। हिमालय पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, चार धामों का आशीर्वाद है, गंगा का आशीर्वाद है और हम सारे जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। Besides your dynamic leadership as honorable minister and holding many responsible positions, we all are motivated and enthused with your incisive writing skill, mesmerizing speech, instant decision making, energetic and positive attitude. भगवान बद्री विशाल जी के श्री चरणों में बैठ करके मैं अपने बड़े भाई और शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं समझता हूं कि आप एक सुंदर और बेहतर तरीके से इसलिए भी आएंगे कि आपको प्रभु का आशीर्वाद तो प्राप्त है, पर इस राज्य के और इस देश के और ऐसे बहुत से लोग जो आपसे सीधे हृदय से जुड़े हैं, उनकी बहुत सी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। मे ऑलमाइटी सावर प्लेंटी ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन विथ वेरी गुड हेल्थ एंड वीगर टू अकम्प्लिश हिज विशेस थ्रू अस। वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट यू एंड वंस अगेन विशिंग यू रिगेनिंग सून। मेरी इच्छा बड़ी इस समय उग्र है कि मैं आपको कब देखूं और आपको कब कितने जल्दी सुनूं। आदरणीय निशंक जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। कि वैद्यो नारायण हरि, भगवान नारायण आपको शीघ्र स्वस्थ करें और इसके बाद आप बद्री का आश्रम यात्रा में जाएं। आदरणीय रमेश पोखरियाल जी, निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और मेरे परम मित्र।